नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी 6283 एम्पलीफायर को लेके, जिसको मैंने AUX के साथ आपको एक एम्पलीफायर बना के दिखाया था, जिसमें हम सिंपली एक म्यूजिक प्ले कर सकते थे AUX कनेक्ट करके, यानी मोबाइल के साथ लीड, हिंदी में बोले तो उसमें आपने काफ़ी सारे मेरे को मैसेज किए और कमेंट्स भी आई मेरे को कि इसको ब्लूटूथ भी बना के दिखाइए, जो कि मेरे माइंड में ये आइडिया पहले से था। जो बात करते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल की, तो वो दोनों टाइप के हैं मेरे पास। एक आता है BT चिप, जो छोटा वाला आप साइड में देख रहे हो, और एक आता है USB ब्लूटूथ पैनल, जिसके अंदर डिस्प्ले होती है। इसको ब्लूटूथ मॉड्यूल या पैनल भी बोलते हैं, और जो छोटा वाला है उसको BT चिप बोलते हैं, जो आपको साइड में दिख रहे हैं। दोनों नाम आप पढ़ सकते हो। दोनों के कनेक्शन काफ़ी सेम हैं, काफ़ी ईजीली हो सकते हैं। ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। इनके लिए हमें एक 78.5 रेगुलेटर लगाना होता है। तो A to Z जितने भी कनेक्शन हैं, मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, आपको बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट पे ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है, अभी कैमरे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ध्यान दीजिए कंटेंट पर कि मैं इसमें क्या समझा रहा हूँ। समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है, जैसे MOSFET, डायोड, ट्रांजिस्टर, कंपोनेंट, जितने भी ये कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर या इस तरीके के मॉड्यूल या बोर्ड एम्पलीफायर के, वो मेरे व्हाट्सअप मार्ट यानी जो ऑनलाइन स्टोर है उस पर अवेलेबल हैं, आप सिंपली खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो प्लीज़ आपको वो नहीं मिल पाएगा, आपको ऑनलाइन पे करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे मैंने जो पहले सेटअप बना के दिखाया था आपको पहले की वीडियो में, वही सेटअप पूरा अच्छी तरीके से फिर से रख लिया यहाँ पे। अब जो बात करते हैं हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे फिट करें, तो जो हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल हैं वो 2 वेरिएंट के हैं, और भी आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मार्केटिंग में अभी चल रहे हैं मार्केट में, वो ये एक आता है, ये वाला। ये काफ़ी छोटा होता है, आप देख सकते हो। इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं BT चिप। इसको इसके अंदर भी वही कनेक्शन करने होते हैं जो सेम इसी के अंदर हैं। इसके अंदर भी हमें 5 वायर लगाने होते हैं। देखिए दोनों के ही अंदर, इसके और उसके, छोड़िए मैं दोनों के ही बता दूँ, दोनों में ही सेम होते हैं। तो आप ये बिल्कुल आप छोटे वाले पे समझो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है BCC यानी 5 वोल्टेज इन, और यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पावर के वायर, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस देना है और इधर 5 वोल्ट माइनस देना है। इधर की जो आप वायर देख रहे हो, 3 वायर, इस पर लिखा हुआ है लेफ्ट आउट, यानी लेफ्ट चैनल की ऑडियो यहाँ से आउट होगी, और राइट आउट यानी राइट चैनल की ऑडियो यहाँ से आउट होगी। जो यहाँ पे लिखा हुआ है GND, बीच में आप ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, 720 में कर लो। तो यहाँ पे जो GND लिखा हुआ है, और ये वाला GND एक ही होता है, लेकिन इसे हम ग्राउंड देते हैं ऑडियो के साथ, और इसे जो हम ग्राउंड देते हैं वो 5 वोल्ट के साथ। सेम कनेक्शन इसमें ही भी होते हैं। यहाँ पे आप देखो कि इसमें भी यहाँ पे हमें 5 वायर दिखेंगे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होता है। इसमें एक्स्ट्रा का मैं खेल बता दूँ कि देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट GND, ये थोड़ा गंदा हो रहा है, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमें 5 पॉइंट दिखते हैं, 5 वोल्ट और ग्राउंड। यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड जो सेम इसी में थे। एक यहाँ पे लिखा है L आउट, ओ का मतलब लेफ्ट आउट, और इधर लिखा हुआ है RO का मतलब राइट आउट, और ये ऑडियो ग्राउंड AG ऑडियो ग्राउंड। तो ये इस तरीके से आप देख लो, 5 हो गए, 3 ईयर है और 2 ईयर है, तो ये 5 हो गए, उसमें भी 5 थे, मैंने दोनों समझा दिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एक ये वाला क्या है, ANT, जो कि इसमें चौथा पॉइंट है, जो कि एक सॉकेट में। तो ANT का मतलब होता है एंटीना, क्योंकि हमें इसके अंदर FM भी मिलता है, तो ये एंटीना, इसे आप छोड़ दो। जब हम इसमें जिग फिट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जिग फिट इसमें उल्टी नहीं की जा सकती, क्योंकि जिग की डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं और इसको ख़राब कर डालते हैं कि 4 जिग वाली में जो ये रेड वाला वायर होता है, इसमें वो 5 वोल्टेज दे देती है प्लस 5 वोल्ट, तो ये ख़राब हो जाता है। लेकिन ऐसा असल में नहीं है, ये एक एंटीना का वायर होता है। तो एंटीना अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं करना चाहते तो इसको काट दो, बेकार की कन्फ्यूजन होगी। तो ये रेड वायर एंटीना का होता है, ना कि 5 वोल्ट का। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब दूसरी वाली जिग को फिट कर लेते हैं। तो ये वाली जो जिग हो गई 3 वाली, ये ऑडियो की हो गई और ये पावर की हो गई। अब इसमें देखिए ये वाली जो साइड है बाहर की, इस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट,
तो बार वाला वायर है जो अपना, ये वाला, ये 5 वोल्ट हो गया। मैं इसमें एक गांठ लगा देता हूँ जिससे कि हमें पता चलता रहे, बार बार हमें ना देखना पड़े। और वैसे भी इस पर कोई खास मार्किंग नहीं दी हुई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी। और आपको ध्यान से लगाना है गांठ कि इस तरीके से देखना है, और ये यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया। तो दोनों के कनेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें भी 5 वायर बन गए और इसमें से भी आप 5 वायर बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फिटिंग की, इसको 5 वोल्ट कहाँ से देने, क्योंकि ये जो होता है 12 वोल्ट ऑपरेट है और ये 5 वोल्ट है। अगर आप इसको 12 वोल्ट दे दोगे ब्लूटूथ मॉड्यूल को, तो ये ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो 5 वोल्ट बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, वो होता है एक वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर को बोलते हैं 7805 78.5 का वोल्टेज रेगुलेटर। ये काफ़ी पुराना सा दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए यहाँ पे नंबर शो नहीं हो पा रहे अच्छी तरीके से। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 78.5 7805। मैंने यहाँ पे एक नया रेगुलेटर ले लिया है, और आप इसके देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 78.5। अब 78.5 में क्या करना है कि इसका काम होता है कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट बना देना। तो वो कैसे बनाता है, आपको एक सर्किट डायग्राम साइड में भी दिख रहा है, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। मैं इसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो साइड में आप देख रहे हो स्क्रीन पर, कि आईसी की जो 78.5 लिखा हुआ है, पहले एक सेकंड आईसी पर समझो आप, आईसी को इस तरीके से रखने पर जो इसकी पिन नंबर 1 है, आईसी की पिन नंबर 1, ये यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देने होंगे और पॉजिटिव, और यहाँ पर 12 वोल्ट नेगेटिव। तो यहाँ से हमें जो पिन नंबर 3 से 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसी बीच वाली पिन के और दोनों पे, जो ये दो पिन देख रहे हो, एक ये वाली और एक, तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने लग जाएंगे जब हम दोनों पे, इन दोनों पे 12 वोल्ट देंगे। यानी 12 वोल्ट जो ग्राउंड होगा, जो नेगेटिव होगा, वही 5 वोल्ट में चला जाएगा। छेड़छाड़ हमें जो करनी है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को हमें 12 वोल्ट को यहाँ पे देना है, तो हमें इधर की साइड से 5 वोल्टेज आउटपुट मिलेंगे अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो। ये इसके कनेक्शन हो गए, आप और अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कनेक्शन में गड़बड़ करोगे तो निश्चित ही आपके वोल्टेज ज़्यादा हो सकते हैं, और जिससे आपका मॉड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जब बात करते हैं इसमें 5 वोल्ट देने की, तो 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ पे हमें थोड़े से कनेक्शन करने होंगे अलग से। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन के लिए रेनबो वायर का यूज़ कर रहा हूँ। ये रेनबो वायर है, और इसके मैंने 2 वायर निकाल लिए, 2 कोर, और इसको मैं सोल्डिंग करूँगा अपने मेन कैपेसिटर पे। तो फ्रेंड्स, जो मेन कैपेसिटर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर DC 12 वोल्ट होता है, चाहे हम इसको यहाँ पर ट्रांसफार्मर से दें सप्लाई। अगर आपको और अच्छी तरीके से कनेक्शन समझने हैं, तो पिछली वीडियो देख लो जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर का सबका फंडा क्लियर किया है कि ट्रांसफार्मर के कहाँ देने। तो चाहे हम इसको एडिप्टर से यहाँ पर दें 12 वोल्ट, चाहे हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर से वोल्टेज दें, लेकिन हमें यहाँ पर एक DC वोल्टेज प्राप्त होंगे जो कि इस कैपेसिटर पर होंगे। कैपेसिटर की ये जहाँ माइनस बना होता है वो नेगेटिव होती है, और दूसरी साइड पॉजिटिव होती है। तो मैं उसी पर यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा पैरेलल वायर, माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब हमें अपने वोल्टेज रेगुलेटर को फिट करना है, तो मैं यहाँ पे अपने वोल्टेज रेगुलेटर को फिट कर लूँगा। इन 2 वायर में हमें 12 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस जूम करके दिखा दूँ कि मैंने बताया है कि जो अपना रेगुलेटर है उसकी पिन नंबर 1 है, उस पर हमें 12 वोल्ट देना है, और पिन नंबर 2 जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पर हमें नेगेटिव का वायर 12 वोल्ट की नेगेटिव कनेक्ट कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 12 वोल्ट के कनेक्शन कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स, जो अपनी मॉड्यूल का वायर है, यहाँ पर मैंने जो गांठ लगाई है ये पॉजिटिव है, तो पिन नंबर 3 पे हमें 5 वोल्ट पॉजिटिव प्राप्त होंगे। तो मैं यहाँ पे 5 पिन नंबर 3 के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, और नेगेटिव दोनों में कॉमन होता है, तो जहाँ पे 12 वोल्ट का नेगेटिव है वहीं पे हमने 5 वोल्ट का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। तो इस मॉड्यूल को अब 5 वोल्ट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ऑडियो की, तो इसमें ये जो वायर हैं दोनों चैनल के हो गए, एक लेफ्ट चैनल का और एक राइट चैनल का, और जो बीच वाला वायर है वो ग्राउंड वायर है। और मैंने यहाँ पे भी आपको अच्छी तरीके से समझाया है बिल्कुल ध्यान से पिछली वीडियो में, कि इसमें कैसे कनेक्शन करने होते हैं। और मैं आपको फिर से समझा दूँ, मैं AUX को हटा देता हूँ। देखिए, मैं बिना हटाए पहले आपको एक बार और ट्राई करता हूँ कि इसकी जो राइट हैंड है वो नेगेटिव होती है ग्राउंड, और ये बीच वाली अपने बोर्ड के लिए जाती है, और हम यहाँ पर आउटपुट ऑडियो इन कराते हैं। ऑडियो इन होने के बाद इस वाली यानी लेफ्ट से ऑडियो इन कराते हैं, ऑडियो कंट्रोल होने के बाद मिडिल पॉइंट से आउट हो जाती है, और जो राइट साइड है वो ग्राउंड होती है, मतलब नेगेटिव, जो मैंने आपको यहाँ भी दिखाया है सब जगह नेगेटिव वो एक ही होता है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ, ग्राउंड को और अपनी ऑडियो की वायर।
ये मैंने ए यू एक्स निकाल दिया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स इसकी जो वायर है इसको ध्यान से समझना है कि मैंने इसमें बताया है कि बीच वाला ग्राउंड है और बाकी दो चैनल हैं, तो दोनों चैनल को मैं एक कर दूंगा कॉमन, यानी इनको मैं यहाँ पे सोल्डिंग करके एक कॉमन वाला आ दूंगा। तो जहाँ पे हमारी ऑडियो का वायर है वो मैंने यहाँ पे बताया था कि ऑडियो में यहाँ पे देनी, तो दोनों जो हमने एक कर रखे हैं यानी लेफ्ट राइट के, उनको मैं यहाँ पे सोल्ड कर दूंगा। और अपना जो ग्राउंड है उसको मैं ग्राउंड के साथ, जो मिडिल वाला है जो यहाँ से मिडिल आ रहा है इस वाले से ग्राउंड होता है जो, वो मैं ग्राउंड यानी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान रखें कि टोन में जो ग्राउंड मिडिल नहीं होता है, ग्राउंड राइट हैंड की साइड होता है। फ्रेंड्स अब इसकी जो हम टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन टेस्टिंग से पहले मैं आपको और एक सिक्योरिटी पर्पज से यानी सेफ्टी पर्पज से एक बात बता दूँ कि इस मॉड्यूल की जो कीमत होती है वो 100 रुपीज़ से ऊपर ही होता है। अगर यहाँ पे गलत वोल्टेज आ गए तो ये ख़राब हो सकता है। तो टेस्टिंग से पहले आपको क्या करना है, इसकी जो दोनों जिक हैं उनको बाहर निकाल लेना है। मैं दोनों जिक को बाहर निकाल लेता हूँ, ये बिल्कुल न्यू है तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी टाइटली फंस गया है। मैं कटर से निकालने की कोशिश करता हूँ इसको, तो ये निकल जाएगा। दोनों जिक मैंने यहाँ पे निकाल दी और मैं अपने ऑडियो एम्पलीफायर को 12 वोल्ट दे दूँगा। तो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दे दिए ऑडियो एम्पलीफायर को, और जो फ्रेंड्स 12 वोल्ट देते ही अपना एम्पलीफायर है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि ये साउंड कर रहा है इस तरीके से टच करने पे, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे अब सावधानी क्या बरतनी है कि आपको मल्टीमीटर लेना है और इसको डीसी की रेंज में सेट करके, यहाँ पे मैं डीसी 20 वोल्ट पे लगा लिया इसको, और यहाँ पे एक बार कंफर्म करना है कि 5 वोल्ट सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बहुत सी चांस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज गलत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 वोल्ट फिक्स आ रहे हैं। तो अब बिल्कुल अपना जो एम्पलीफायर है वो सेफ़ है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इधर, और मैं देखिए ग्राउंड और 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहे हैं। ये देखिए 5 वोल्ट 5.9 के करीब बन रहे हैं जो कि बिल्कुल फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आसानी से अपना जो मॉड्यूल है इसको फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी एम्पलीफायर चलाने में। और मैं इसको यहाँ पे पावर की जो जैक है उसको लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये चल गया, बिल्कुल मॉड्यूल अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गया, साउंड भी देने लग गया यहाँ पे। और अब इसके साथ मैं ब्लूटूथ कनेक्ट भी कर सकता हूँ इजीली, बिल्कुल रेडी टू पेयर है ये। थोड़ा सा इसको प्ले भी करके देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ इजीली, मैं यहाँ पे एक दूसरा मोबाइल लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ब्लूटूथ ओपन करके बिल्कुल आपको रियल वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि अपने चैनल पर जो फेक वीडियो नहीं डाली जाती। तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल थोड़ी वीडियो लंबी है, बोरिंग लग रही होगी आपको, लेकिन मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करके चलता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ न्यू डिवाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो BT-V9 लिखा आ रहा है, इसके साथ मैं इसको पेयर कर लेता हूँ, और यहाँ पर पेयर का ऑप्शन, और यहाँ पर लाइट जलने लग गई और कनेक्टेड लिखा आ गया। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, जब तक यहाँ पे सर्चिंग चल रही है, कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, मैंने केवल आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए यहाँ पे जो ये सारा सेटअप किया है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यानी डेली यूज़ के लिए बना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी 78.5 है इसको हीट सिंक के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है, क्योंकि ये हीट होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब एकदम सब चीज़ कंप्लीट है, और मैं अपना जो गाना वो प्ले करता हूँ। यहाँ पे हमको एक NCS प्ले करना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि अपनी ब्लूटूथ है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, अपना जो सॉन्ग है बिल्कुल अच्छी तरीके से प्ले हो रहा है। Don't you think we're done? Knew that it was true from the way you looked at me. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जो मैंने बात बताई वो काफ़ी
आपकी समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरीके से समझाने की, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हो, और अगर नहीं पसंद आए, कोई कमी नज़र आ रही है, तो डिसलाइक करके और कमी का कारण जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो फ्रेंड्स, चलिए लेते हैं आज विदा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।